जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव होने से पहले ही अपनी हार जिन्होंने स्वीकार कर ली है, जो इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं वो हारे हुए नेता हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट। चुनाव होने वाले हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव होने से पहले ही अपनी हार जिन्होंने स्वीकार कर ली है, जो इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं वो हारे हुए नेता हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट। बुखारी कहते हैं कि बीजेपी 5 के पार नहीं जा पाएगी, किस तरह से आप देखते हैं? चलिए खुद ही पता चल जाएगा। बुखारी कहते हैं कि बीजेपी 5 के पार नहीं जा पाएगी, किस तरह से आप देखते हैं? चलिए खुद ही पता चल जाएगा। पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया, रविंदर राणा जी किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाया परिसीमन आयोग पर। परिसीमन आयोग ने बहुत अच्छे से अपना काम किया है जी, और एक रिकॉर्ड टाइम में अपनी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। यहाँ 2-2.5 सालों तक कोरोना पेंडेमिक के बीच भी उन्होंने अपना कार्य किया है परिसीमन आयोग के सदस्यों ने, और आज जब फाइनल रिपोर्ट आई है और इसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव होने से पहले ही अपनी हार जिन्होंने स्वीकार कर ली है, जो इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं वो हारे हुए नेता हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अब अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि बीजेपी 5 के पार नहीं जा पाएगी, किस तरह से आप देखते हैं? चलिए खुद ही पता चल जाएगा अल्ताफ बुखारी साहब। देखिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का क्या कुछ कहना था, और परिसीमन आयोग को लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है इस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी, और उस पर लेकर क्या कुछ कहना था प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का, आपने सुना क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया थी, और एक करारा जवाब जो है उन्होंने साफ तौर पर दिया है, और उनका ये कहना है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी और भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।